मुंगेर के तारापुर में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शकुनी चौधरी की धर्मपत्नी सह नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी के माता पूर्व विधायक पार्वती देवी का निधन। तारापुर विधानसभा क्षेत्र में शोक की लहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। दरअसल मुंगेर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर तारापुर विधानसभा क्षेत्र में उस समय शोक का लहर फैल गया जब तारापुर विधानसभा से पूर्व विधायक रही पार्वती देवी का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पार्वती देवी के पुत्र रोहित चौधरी से मिली जानकारी के अनुसार काफी दिनों से वे हृदय रोग से बीमार चल रही थी और शनिवार की रात सांस लेने में दिक्कत होने के बाद उन्हें जब स्थानीय अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उनका निधन हो गया। पूर्व विधायक के निधन की सूचना के बाद पूरे विधानसभा में शोक का लहर। देर रात्रि से ही लोगों का उनके पार्थिव शरीर के दीदार के लिए आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं दिवंगत पूर्व विधायक के परिवार की बात की जाए तो 3 पुत्र और 2 पुत्री हैं। पति शकुनी चौधरी तारापुर विधानसभा से 7 बार के विधायक, 7 राजद शासन काल में विधानसभा उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं बड़ा बेटा सम्राट चौधरी भी पूर्व मंत्री बिहार सरकार में और वर्तमान में बिहार सरकार में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। दिवंगत पूर्व विधायक पार्वती देवी 1998 से लेकर 2000 तक तारापुर से समता पार्टी से विधायक रही थी। परिवार वालों और ग्रामीणों के अनुसार वे काफ़ी शांत स्वभाव और सभी से मिलनसार महिला थी जो अपने पीछे पूरा परिवार छोड़ इस दुनिया से विदा हो गई हैं। परिजनों के अनुसार आज दोपहर के बाद सुल्तानगंज गंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व विधायक की मौत से तारापुर विधानसभा से वर्तमान में जेडीयू विधायक राजीव सिंह ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए इसे राजनीति के साथ साथ तारापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए अपूर्णीय क्षति बताया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। ऑक्सीजन कम होने लगा और हम लोग तारापुर हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, क्या ऐसा भी फिलहाल तो बीमार नहीं, अभी ठीक थी पहले, लेकिन हाथ से एक बार आया था, अभी ठीक थी, अभी वो अच्छा से चल रही थी। तो मार्केटिंग भी की थी, दुर्गा पूजा का मार्केटिंग भी की थी और अभी फिलहाल वो ठीक। स्वभाव अच्छा, पूरा घर करीब की तरह वही दुआ कर रही थी। घर में सबसे ज़्यादा मेहनत, घर में सबसे ज़्यादा कड़ी बनाने में भाई बहन में होता है, सब में कड़ी थी। बात रही है विधायक का, वो समता पार्टी से विधायक रही है, तारापुर से विधायक रही है। कौन सा शासन काल था वो? ये लालू जी का शासन था, लेकिन समता पार्टी से जीती थी 1998-2000, बाय इलेक्शन था वो। क्या नाम था उनका? रोहित चौधरी। कौन है उनके? उनका बेटा है। मुझे 11:30 बजे उनके सम्राट चौधरी के चचेरे भाई ने फोन किया, चाची अब इस दुनिया में नहीं रही, हमने कहा था कि देर रात हो गई है, सवेरे आई और सवेरे जा करके मिले। वो 1998 में विधानसभा की सदस्य रही है, उस चुनाव में वो जीती थी और उस चुनाव में जीतने के बाद अपने क्षेत्र में जो है अच्छा काम किया, विधायक रहे, जनता के बीच में अच्छे से रहे। अच्छा, जनता के स्नेह और पकड़ कैसा था ये बात किया जाए, और पारिवारिक में कैसा था? परिवार में तो अच्छा था, परिवार सबको साथ में लेकर के चलती थी, और जनता में जब विधायक है तो जनता में तो मतलब पकड़ है और अच्छा से जनता को मिला करके चली अपने शासनकाल में जब तक विधायक रही। उनका कोई पहले मतलब जो है उनका हार्ट हार्ट पर कुछ मतलब था कि जो है ऑपरेशन वगैरह जो मालूम है, जो व्यक्तिगत रूप से हमको मालूम है, किसी से पूछे डायबिटीज भी था, ब्लड प्रेशर भी था, और हमको जो अभी सूचना मिली वहाँ जो गए तो मालूम हुआ तो हार्ट अटैक हुआ था, इसीलिए। कब तक उनका अंतिम संस्कार और कैसे होना है?
अंतिम सरकार संस्कार तो मतलब जो है विधायक रही हैं तो जो है सरकार से है कि जो है तो अंतिम संस्कार में जो है अगर सम्मान जो राजकीय सम्मान होता है उसके साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। धन्यवाद।